राजकीय कन्या महाविद्यालय में नई छात्राओं के लिए कॉलेज की वरिष्ठ छात्राओं व कॉलेज प्रशासन द्वारा वीटा नोवा कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में नई छात्राओं के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता सहित अन्य विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फ्रेशर्स डे आरकेएम में बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा इवेंट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉडलिंग या कैटवॉक में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के हम के लिए हम प्रोवाइड करते हैं इनको प्लेटफॉर्म की, जो भी कल्चरल आइटम ये करना चाहते हैं उसके लिए भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं, ताकि इनका एक तरह से हम लोगों के लिए टैलेंट हंट टाइप का एक कार्यक्रम होता है। तो ये इवेंट हमने इसलिए सैटरडे को रखा है क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस बार का जो फ्रेशर्स डे है उसका नाम हमने वाइटल नोवा रखा है, जिसका मतलब है अ न्यू लाइफ। तो स्टूडेंट जो है, नए स्टूडेंट जो आते हैं उनको एक नई लाइफ की शुरुआत होती है और कॉलेज के लिए एक प्रिविलेज होता है कि उन स्टूडेंट्स को नोट करें कि किन किन एक्टिविटी और टैलेंट्स के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं। और इसके बाद क्योंकि यूथ फेस्टिवल की जो एक्टिविटीज़ है वो चलती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ में भी हमें स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आसान होता है। तो पूरी तरह से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े एंथुजियास्टिकली स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जो मुझे पता लगा है कि ऑडिटोरियम में इवन इतना क्राउडेड ऑडिटोरियम है कि बैठने के लिए भी जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।